ये हो गया बुलर का पीएलसी, आप देख सकते हैं मरकरी सिस्टम। और चलिए ले चलता हूँ आपको बुलर मिल कैसा होता है, तो आप देखें अभी। हेलो दोस्तों, और ये हेलो गाइस, ये देखिए ये है रुलवाडी बुलर का एनडीडी स्विट्जरलैंड का जो न्यू मॉडल आया है, उनका मॉडल है। ये है बुलर का जो अभी जो कि नील अभी बंद है, बुलर और नील अभी बंद है, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ। अभी देखिए फिर शुरू से इसको मैं हर एक चीज़ बताऊँगा, बुलर का बॉडी कैसा होता है, जो भी जिसको बढ़िया हुआ है कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं आप लोग। ये बुलर का पैरामीटर ये देखिए, ये सामने जो दिख रहा है छोटा छोटा बटन, और ये देखिए सबसे इसका फिटिंग बहुत अच्छा है, जो न्यू प्लांट है ये देखिए, बहुत इसका लोकेशन बहुत अच्छा है, बुलर का लोकेशन बहुत शानदार मेरे को लगा। और आप सबको कैसे लगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ज़रूर, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। ये देखिए मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ कैसा मिल की तरफ, और ये छोटा सा दिख रहा है कि ये हो गया स्केल M1 जो दिख रहा है ऊपर में, वो मेगा 1 स्केल हो गया, और उधर M2 मेगा 2 स्केल हो गया। इसका भी पैरामीटर के बारे में आप बताऊँगा कमेंट सेक्शन में पूछूँगा। और ये हो गया, ये देखिए ये हो गया पैसा मिल गाइस, और ये इससे बनता है आटा। आप सब कभी कभी हैरान होते होंगे कि आटा कैसे बनता है इससे, और इसमें मैं हर एक प्रोसेस दिखाऊंगा वीडियो बना बना कर। ये देखिए ये इतना बड़ा बड़ा बैरिंग है, और 75 HP का मोटर लगा हुआ है, 450 HP का मोटर है जो इधर साइड हुआ। ये देखिए बैरिंग सामने का बैक साइड का, ये लोकेशन कितना अच्छा लग रहा है, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। बट उस पर भी खोले हैं और ये भी बंद है, ये देखिए यही। और वो जो दिख रहे हैं नज़ारा, वो पैनल ये CM5 पैनल है, और जो कि पावर जाता है और आता है, तो पैनल को पहले ऑन करना पड़ता है, उसके बाद हम चालू करते हैं। तो इस तरीका से 5 पैनल है, CM1 CM2 CM3 CM4 CM5। ये देखिए ये इधर पावर है, पावर बता रहा है, और ये हो गया पैसा मिल, जो कि पूरा आप एकदम अच्छा देखिए। जिसको भी कोई भी पैरामीटर के बारे में जानना है कैसे चल रहा है वो कमेंट करें, मैं उसको कमेंट का रिप्लाई करूँगा। ये पूरा पैसा मिल है, जो कि ये बड़ा वाला है, इसमें 6 टन का लोड चल रहा है, आटा का 6 टन का लोड आ रहा है पर आवर, हो सकते हैं 1 घंटा में ये 6 टन आटा निकालता है। ऊपर लाइट कम हो गया है, तो आप सब प्लीज़ ज़रा टेंशन मत ना ले। ये देखिए ये, और ये देखिए ये है पुराना वाला रोल बॉडी, ये पुराना वाला रोल बॉडी है, और उस साइड का जो नया लॉन्च हुआ है स्विट्जरलैंड का, और ये हो गया आटा, तो ये आटा स्पेल देखिए बता रहा है डेड प्रोडक्ट कि एक्चुअली इसमें प्रोडक्ट अभी आने रहा है, तो मेरा अभी बंद है, फिर जब चालू होगा तो इसमें, लेकिन इसमें थोड़ा वॉइस ज़्यादा है यार, वो आप सब देख लीजिएगा। ये भी हो गया स्केल M2 का मेगा स्केल, जो कि 1 टन में 1 घंटे में 4 टन 4.5 टन मैदा निकालती है। ये देखिए नील, ओ माय गॉड नील बहुत अच्छा लग रहा है, मैदा इसी से बनता है, मैदा मिल इसी को बोलते हैं। और आप सब कमेंट करें तो मैं हर चीज़ का हर पैरामीटर के बारे में बताऊंगा कि इसका भी पैरामीटर ये सब कुछ बहुत अच्छा लगा। ये देखिए मेरे प्लांट तो बहुत अच्छा लगा गाइस, आपसे जो फ्लोर मिल में कभी कर रहे हैं ये देखिए, वो एमरजेंसी है कि एक्चुअली कुछ भी हो जाए ना समझ जाए तो एमरजेंसी लगा दो, इमीडिएट बंद हो जाएगा तुरंत। ये CM5 के अंदर रखा जा रहा है, और मैं इधर जा रहा हूँ अभी कंट्रोल रूम की तरफ। ये देखिए ये हो गया पैरामीटर, इसके अंदर 200 से ज़्यादा पैरामीटर है, और ये देखिए इसे क्या होता है, कौन बटन क्या होता है, आप सब पूछोगे तो मैं कमेंट सेक्शन में बताऊँगा कौन बटन क्या काम करता है। और ये कंट्रोल रूम, मैं जा रहा हूँ कंट्रोल रूम, देखिए जहाँ से पूरा प्लान नील चलता है, ये मैं जा रहा हूँ कंट्रोल रूम, और ये कंट्रोल रूम में फिर आपको दिखाऊंगा। ये देखिए ये स्विच हो गया, ताकि एक्चुअली कुछ हो गया तो आप स्विच बंद करके काम कर सकते हो, वर्क कर सकते हो बुलर में। ये स्विट्जरलैंड का बड़ी है, ये देखिए वो हो गया है क्लिनिक सेक्शन, ये हो गया क्लिनिक सेक्शन, ये हो गया सेक्शन टंकी, ये जो है रिलीज निकालते हैं, वो जो छोटा वाला दिख रहा है इसमें हम रिलीज निकालते हैं, पता चलता है कि फर्स्ट ग्रेड का रिलीज क्या है, सेकंड ग्रेड का रिलीज क्या है, थर्ड ग्रेड का रिलीज क्या है। तो आप सब समझेंगे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड क्या होगा, तो इसका प्रोसेस होता है, ये का जो है वो प्रोसेस होता है, वो सब मैं प्रोसेस आपको दिखाऊंगा। 36 GB के जाली से हम सब रिलीज निकालते हैं,
क्योंकि इसका जो ग्राइंडिंग करके छोड़ता है उसका रिलीज निकालते हैं, एक मिनट में कितना आया, इसका रेशियो क्या है वो भी मैं बताऊंगा। जैसे बुलेट समझ लो ये बहुत अच्छा मिल रहा है, वो जो सेंसर साक्षर इसको देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये हो गया आपका पुराना वाला रोल बॉडी, ये ज़्यादा पुराना नहीं है, हर एक जगह यही चल रहा है। और अभी जो मैं यहाँ पे आया हूँ ये न्यू है, ये नया मॉडल लॉन्च हुआ है, क्योंकि ये स्विट्जरलैंड से आया है, स्विट्जरलैंड से इंडिया में लगा है, ये प्लांट रायपुर में है छत्तीसगढ़। ये देखिए ये हो गया एक्स रोल, इसको बोलते हैं एक्स रोल, ये लगा हुआ है आटा में, मतलब जो ब्रांड पार्टिकल इसमें आता है। ये देखिए ये आपको मैं मॉडल भी दिखा दे रहा हूँ, आपको नहीं है ये सुनूंगा। MDDP ये हो गया MDDP और ये हो गया MDDR, देखिए कितना अंतर है, आप गौर से देखिए है तो सेम लेकिन डिफरेंट है, वो हो गया MDDP, ये हो गया MDDR, फंक्शन सेम है लेकिन इसका बनावट बहुत अच्छा लगा मेरे को। MDDP और MDDR दोनों में डिफिकल्ट तो है लेकिन इसका बराबर है। ओके गाइस, बाय बाय, टाटा, सी यू।